भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री आज से भारत के दौरे पर। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया दौरे पर जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान टेंशन के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक मिनट में देखिए रिपोर्ट। एशिया में चीन ताइवान टेंशन के बीच अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू आज से 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। डोनाल्ड भारत में एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सहायक विदेश मंत्री लू के साथ पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों की उप सहायक विदेश मंत्री कैमिली डाउसन भी शामिल होंगी। भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों पर 2+2 बैठक होगी और समुद्री सुरक्षा वार्ता में अमेरिकी रक्षा विभाग के सहायक मंत्री एली रेटनर को भी शामिल किया जाएगा। अमेरिकी डेलीगेशन इस बात पर चर्चा करेगा कि कैसे अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग का विस्तार कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया और जापान के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह सबसे पहले 5 से 7 सितंबर तक मंगोलिया में रहेंगे और उसके बाद 8 से 9 सितंबर तक जापान का दौरा करेंगे, जिसमें भारत और जापान के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 डायलॉग है। इस बीच आज से रूस में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 7वीं बैठक शुरू हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है।